हेलो एवरीवन। तो थोड़े से गैप के बाद जो लेशन आपके सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है वो लेशन है डिग्री, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी इज कॉल्ड डिग्री। मतलब कहने का ये है कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है, मात्रा की जो होती है, उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसे सपोज करिए एक आपका एडजेक्टिव है गुड, तो बेटर जो है इसका कॉम्परेटिव डिग्री यानी इससे बढ़ता हुआ क्रम है, बेस्ट जो है वो सबसे ऊपर वाला क्रम है, यानी बढ़ता हुआ कोई एडजेक्टिव का ऑर्डर चलता है तो कहते हैं कि यह डिग्री को इंगित कर रहा है। और डिग्री हमेशा ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव की ही बनती है। जो तीन डिग्रीज होती हैं वो अक्सर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी की ही बनती है। जितने एडजेक्टिव होते हैं सबकी डिग्री नहीं बनती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी की ही डिग्री बनती है और डिग्री इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर होती है इन दोनों एडजेक्टिव्स की। तो आगे जो आपके लिए ये चीज़ दिखाया जा रहा है इसका काइंड है जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, हिंदी में कहते हैं सामान्य श्रेणी। दूसरा है कॉम्परेटिव डिग्री, तुलनात्मक श्रेणी। और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, सर्वोच्च श्रेणी। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या कहते हैं, जैसे आप पॉजिटिव निगेटिव पढ़ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक पढ़ते हैं, मतलब उससे नहीं है। यहाँ पॉजिटिव का मतलब है सामान्य, जनरल, बिल्कुल नॉर्मल। और कॉम्परेटिव डिग्री तुलना करने के सेंस में आती है कि दो लोगों के गुणों की जो तुलना करते हैं, एडजेक्टिव की तुलना करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो सर्वोच्च होती है, इसके आगे कोई गणना नहीं होती है किसी एडजेक्टिव की। यानी अगर यह डिग्री कहीं लग जाती है तो ध्यान रखिएगा इसके बाद कोई डिग्री नहीं लगती है, यानी ये सर्वोच्च श्रेणी में आती है, सुपरलेटिव डिग्री में आती है। यह भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी को ही बताती है। अब आपके सामने जो कुछ वर्ड्स दिए जा रहे हैं वो पॉजिटिव, कंपरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, यानी ये सारी के सारी जो वर्ड्स हैं अपने आप में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। अब इनकी तीन डिग्रीज जैसा आप जानते भी होंगे, मैक्सिमम आपके बुक्स में दिए रहती हैं सारे डिग्रीज, फिर भी एक नज़र अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें रिवाइज कर जाएंगे। जैसे गुड और नाइस और वेल, इन तीनों का, ये तीनों अपने आप में एक ही वर्ड्स होते हैं और इनका जो कॉम्परेटिव डिग्री होता है वो बेटर होता है और सुपरलेटिव बेस्ट होता है। बैड और डर्टी दोनों सेम वर्ड होते हैं, इसलिए ओर्स और ओर्स्ट इनकी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। बाकी आगे का लॉन्ग है, वाइज है, लो है, हाई है, फास्ट है और स्लो है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट है, मच है और लेस है। एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयर करना है कि मच और लेस जो दो आपके एडजेक्टिव हैं, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए आता है और लेस जो होता है वो भी अनकाउंटेबल के लिए आता है। अगर काउंटेबल रहता तो वहाँ पर मेनी हो जाता और नीचे में क्या हो जाता, फ्यू हो जाता। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तीन डिग्री जिनकी बन रही है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी की ही डिग्रीज बनती हैं। अब यहाँ पे जो मच है, इसका जो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है, इसका यूज हम क्या करते हैं, इसका यूज एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। ध्यान रखिएगा आगे के स्टेंजाज में हम आपको बताएंगे कि जब किसी अदर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले मोस्ट या मोर आता है तो अपने आप में बन जाता है एडवर्ब। इसका जब आप यूज करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा और भी डिग्रीज वर्ड्स होते हैं, इसे आप याद करेंगे, देखने से और यूज करने से ये चीजें बहुत जल्दी क्लियर कर जाती हैं। अब देखिए आपके सामने अगला जो स्टिंजा है स्क्रीन पे, वो एक नोट है, इसे आपको ध्यान रखना है। ऑफन ER एंड EST आर एडेड एट लास्ट ऑफ वर्ड्स। अक्सर हम क्या करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में ER क्रमशः और EST, जैसे बेटर है और बेस्ट है, BETER है। तो नीचे आपका एक एग्जांपल भी है, लॉन्गर, लॉन्गर में ER जुड़ा हुआ है, कॉम्परेटिव डिग्री है। लॉन्गेस्ट है, EST जुड़ा हुआ है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो अक्सर देखने को, अब इसे 100% हम नहीं कह रहे हैं लेकिन 95% ऐसा देखा जाता है कि ER और EST से जो बन जाता है वो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनता है। एक और नोट आपके सामने है, There are few adjectives words cannot be transformed in comparative or superlative degree. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव नहीं कर सकते हैं। कह रहा है वी हैव टू यूज मोर एंड मोस्ट फॉर इट।
उन वर्ड्स के कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें मोर और मोस्ट का यूज करना पड़ता है। हालांकि वो भी एडजेक्टिव होती हैं लेकिन उन्हें ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उनको उनके लिए हम सहायता लेते हैं मोर और मोस्ट का। जैसे आगे कुछ डिग्रीज आपको दी जा रही हैं, फिर से एक टेबल आपके सामने है, पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। कह रहा है ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, इम्पॉर्टेंट है, पावरफुल है, स्पेशल है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है और बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल माने लाभदायक। जल्दी से आपको बता दें कि इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट में अंतर क्या होता है। इंटेलिजेंट वह होता है जो फिजिकल वर्क भी कर लेता है और मेंटल वर्क भी कर लेता है, दोनों में आगे होता है, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट। बट ब्रिलियंट जो होता है वो केवल माइंडली वर्क करता है, माइंड वर्क करने के लिए सक्रिय होता है, उसे ब्रिलियंट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जितने सारी पॉजिटिव डिग्रीज आपके सामने हैं इनमें ईएसटी और ईआर नहीं लगता है। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके पहले हमें मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है, जैसा आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे वर्ड के पहले मोर और मोस्ट जब आता है तो वो एक एडवर्ब बन के आता है, क्योंकि एडजेक्टिव की क्वालिटी को एक्सटेंड करने के लिए आता है, कम और अधिक करने के लिए आता है, मॉडिफिकेशन के लिए आता है, तो वहां पर वह एडवर्ब के रूप में आता है। तो ये सारे वर्ड्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स हैं जिन्हें आप अपने बुक से देख सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपके सामने ये है, कह रहा है फ्लेक्टिव यानी कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं आर ऑलवेज इन सुपरलेटिव डिग्री, जो हमेशा हमेशा पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, यानी इनकी कॉम्परेटिव और पॉजिटिव नहीं बनती है। जैसे वर्ड है परफेक्ट है, सुप्रीम है, फुल है, यूनिक है, राउंड है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, कोई चीज़ अगर पूर्ण है तो उससे पूर्ण और सबसे पूर्ण, ये चीज़ गलत हो जाती है। सुप्रीम माने होता है सर्वोच्च, तो सर्वोच्च के बाद तो कोई ऊँचा होता नहीं है। इसलिए फुल है, भरा हुआ है, तो कहेंगे ये भरा है, उससे भरा है, सबसे ज्यादा भरा, ये गलत बात है। वो भरा है तो उसके बाद नहीं भर सकता। यूनिट माने होता है अनूठा, एकल। राउंड माने गोल, कोई चीज अगर राउंड है तो उससे अधिक गोल नहीं हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में सुपरलेटिव ही होते हैं। अगला नोट है कि सुपरलेटिव डिग्री टेक्स द जस्ट बिफोर इटसेल्फ। सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले, अपने जस्ट पहले द जरूर लेती है। लेकिन कह रहा है एक और यहाँ पे एक्सेप्शन है कि इफ अ पॉजिटिव किस एडजेक्टिव जैसे माई, योर, देयर, इट इज कम्स जस्ट बिफोर इट, वी डोंट यूज द। अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले माई, योर, देयर, आवर, हिज, हर ऐसे आ जाता है, ऐसे वर्ड पॉजिटिव केस एडजेक्टिव आ जाते हैं तो द नहीं लगाते हैं। जैसे कह रहा है राम इज द बेस्ट बॉय, सही है। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये भी सही है, क्योंकि माई आया है तो द नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसे कह दे कि राम इज द माई बेस्ट फ्रेंड, तो समझिएगा कि ये चीज़ गलत होती है। और सारे वर्ड्स आप डिक्शनरी से देख सकते हैं। इसके एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए यहाँ पे ये है, कह रहा है मोस्ट, मोस्ट जो वर्ड होता है इज एन एडवर्ब, यह एक एडवर्ब होता है व्हेन इट इज यूज्ड जस्ट बिफोर एन एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा, ये एडवर्ब तब होता है जब ये एडजेक्टिव पहले यूज किया जाता है, एंड इन दिस केस आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर इट। और जब मोस्ट किसी एडजेक्टिव से पहले आता है उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसको कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आता है, तो उसके पहले द का यूज नहीं करते हैं। इसकी रियल बात यह है ना कि वहां पर वह एडवर्ब बन के आता है, बस आप इतना जान लीजिए। लेकिन नीचे एग्जांपल कह रहा है कि दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, यह जो वर्क है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चूंकि इम्पॉर्टेंट अपने आप में एडजेक्टिव है और मोस्ट वहाँ एडवर्ब बन के इम्पॉर्टेंट को एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है, यानी मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर एडवर्ब है, इसलिए इसके पहले, मोस्ट के पहले हम द नहीं लगाएंगे। नीचे कह रहा है दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, ये चीज़ गलत है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्ट यहाँ पर एडवर्ब, यहाँ पर भी एडवर्ब बन के आया है, उसके पहले द नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो इस लेक्चर में प्रिंट हमने नहीं किया हुआ है, आपको बाई हार्ट बता रहे हैं कि अगर मोस्ट अपने आप में अकेला आता है, यानी एडजेक्टिव बन के आता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री स्वयं बन करके आता है मोस्ट, तो उसके पहले हम द लगा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आई हैव द मोस्ट मनी, यानी यहाँ पर मोस्ट अधिकाधिक के रूप में आया हुआ है, मच मोर मोस्ट आया हुआ है ऐसे करके। तो आप इस चीज़ को ख्याल में रखिएगा अपने, कि अगर मोस्ट स्वयं एडजेक्टिव बन करके आता है सुपरलेटिव डिग्री में तो द लगाते हैं, लेकिन अगर मोस्ट किसी की सहायता करने के लिए एडवर्ब बन के आता है तो उसके पहले द नहीं लगता है। तो ये रहा आज का लेक्चर। डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटेटिव लेवल पर पूछा जाता है, और थोड़ा सा गैप हो गया था, एक दो दिन का वीडियो हमने नहीं अपलोड किया हुआ है। अब हम बहुत जल्द इसमें 9th और 10th का सिलेबस अपलोड करेंगे जो लिटरेचर का है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और शेयर करते रहिए। थैंक्स।